स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा को मनाकर मानो मोदी गांधी की राह पे चल रहे हैं। वैसे भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ना जाने ऐसे कितने रास्ते दिखाए जिससे समाज रोज बनता है और राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ता है। बिना लाग लपेट किसी अपने पराये की भावना को रखे हुए देश की सेवा में तत्पर होता है। बहरहाल यह जवान है जो आज सड़क पर उतरकर स्वच्छता सेवा अभियान के बहाने स्वच्छता की अपनी जरूरत को और उसके प्रति जागरूकता को लोगों के बीच में बढ़ा रहे हैं। सेना जब उतरती है सरहद पर तो अलग तरीके का एक सुरक्षा का संदेश देती है और जब ऐसे सड़क पर उतरती है तो समाज को जागरूक करने का अपना काम करती है। साथ ही राम प्रकाश ने इस पूरे के पूरे मामले की रिपोर्टिंग की और आप देख सकते हैं कि स्वच्छता ही सेवा का यह अपना पूरा का पूरा अभियान आज सड़क पर इस बात का साफ इशारा कर रहा था कि समय बदल रहा है और भारत गांधी की राह पर चलते हुए साफ सफाई की अपनी ज़रूरत को अब समझने और उसको आगे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। इस मुहिम में ना सिर्फ सेना बल्कि गांव के लोग शामिल थे, जो इस बात का इशारा है कि यह सामूहिक भागीदारी है और देश को इसकी ज़रूरत है। साथ ही राम प्रकाश ने इस पूरे के पूरे खबर को कवर किया है। आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि नए भारत की नई तस्वीर और नई उम्मीद ऐसे छोटे छोटे इवेंट से जुड़ते हुए आगे बढ़ती है। देखिए पूरी रिपोर्ट और लोगों को समझाइए कि आखिर गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना जरूरी क्यों है, क्योंकि आज की पीढ़ियों को गांधी जी का जो डिजिटल रूप दिखाया गया है उससे इतर वही राजनेता आज गांधी जी के रास्ते को इस्तेमाल करते हुए अपनी जमीन तैयार करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राम प्रकाश और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा में BSF द्वारा जो है यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि फौज के सिपाही जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और साथ में कमांडेंट साहब भी लगे हुए हैं और जो आसपास के जो गांव हैं उनके सरपंच भी यहाँ जो है फौज के साथ में जो है लगे हुए हैं और हमारे सैनिक जो है सीमा पर भी बड़ी मुस्तैदी से अपना काम करते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बड़ी मुस्तैदी से और जोरों से जो है स्वच्छता अभियान में जो लगे हुए हैं यहाँ पर। और मोदी जी द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया गया था उसी के आह्वान को लेकर के आज जो है BSF हिसार द्वारा जो है यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सिरसा नेशनल हाईवे 9 हिसार में, और आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है सिक्योरिटी के रूप में जो है सीमा सुरक्षा बल के जवान जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है तैनात हैं ब्रिज के ऊपर और यहाँ पर जो है ये दुर्जनपुर के सरपंच भी मौजूद हैं और गांव डंडूर के सरपंच भी मौजूद हैं और कुछ ग्रामीण भी जो है स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। और उसके बाद में हम जानना चाहेंगे, कमांडेंट साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं इस अभियान को लेकर के। फौज जो है अपना हर कार्य जो बड़ी ईमानदारी से करती है और अब यहाँ हरियाणा के राज्य हिसार जिले में जो है यहाँ पर फौज द्वारा जो है BSF द्वारा जो आप देख सकते हैं कि सफाई अभियान स्वच्छता मिशन स्वच्छ भारत मिशन जो लगा हुआ था मोदी जी की तरफ से आह्वान किया गया था तो उसी को लेकर के जो है ये मिशन चलाया गया है और BSF के सभी जवान यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं बटालियन कमांडेंट हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से हैं, BSF से हैं और ये खुद जो है यहाँ पर स्वच्छता अभियान में जो है यहाँ लगे हुए हैं। ये फोटो सेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि काम कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, करीब 7 बजे से यहाँ जो है कमांडेंट साहब भी लगे और इनकी पूरी टीम जो है यहाँ BSF की पूरी टीम के साथ ये यहाँ लगे हुए हैं और मतलब अच्छा एक साफ सफाई का वातावरण सा जो है BSF द्वारा यहाँ बना दिया गया है। और सामने आप देख सकते हैं कि ब्रिज के ऊपर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी जो है मुस्तैद यहाँ पर किए गए हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई होनी या अनहोनी ना हो जाए जिसको लेकर के। और हम बात करते हैं कमांडेंट साहब से, वो क्या कहना चाहेंगे इस मिशन को लेकर के। बड़ा कूड़ा जो है लोगों ने फैलाया गया था जिसको आप देख सकते हैं कि BSF के जवान जो है किस प्रकार से उठा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं यहाँ पर और ट्रैक्टर ट्राली को जो है साथ में लेकर के चल रहे हैं। अनेकों वाहन जो इन्होंने लिए हुए हैं कूड़ा डालने के लिए और उठा करके जो है डंप किएंगे, डंपिंग स्टेशन है यहाँ पर साथ में, वहां पर जो है डंप किया जाएगा कूड़े को
तो ये आप देख सकते हैं ये कैसे जो है बच्चे भी यहाँ लगे हुए हैं, ये उठाकर जो है ट्रैक्टर ट्राली में जो भर देंगे इसको, ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है दो गांवों के सरपंच है और कुछ पंच भी मौके पे पहुंचे हुए हैं। गांव ढंडूर के सरपंच भी यहाँ पे मौजूद हैं और गांव दुर्जनपुर के भी सरपंच यहाँ पे मौजूद है और कुछ मेंबर भी जो है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो स्वच्छता ही सेवा के नाम से आज मोदी जी की तरफ से अभियान चला गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उसी के तहत जो लोग ऐसे भी यहाँ पहुंचे, अलग अलग गाँवों से लोग भी यहाँ पहुंचे थे और BSF की तरफ से भी अभियान जो है सुचारू रूप से चलाया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है BSF के जवान लगे हुए हैं। और अब हम बाकी की बातें जो है सरपंच साहब से ही करेंगे। दुर्जनपुर के सरपंच यहाँ मौजूद है। नमस्कार जी। हाँ जी, पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम जयप्रकाश, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत दुर्जनपुर से। सबसे पहले मैं गांधी जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसके बाद ग्राम पंचायत दुर्जनपुर की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, पंचायत की तरफ से तय दिल से BSF सरपंच का और ढंडूर सरपंच श्री सतपाल जी इल्ला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बधाई देता हूँ उस काम के लिए जो इन्होंने काम किया है। पूरी टीम ने वो बहुत ही सराहनीय काम है, इसके लिए हम सदैव तत्पर इनके आभारी भी रहेंगे और हमेशा इनके साथ भी रहेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब की तरफ से भी और पंचायत की तरफ से भी धन्यवाद। सरपंच साहब आप देख रहे हैं कि सीमा पर भी जवान है और अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि स्वच्छता अभियान में भी जो है हमारे देश के जो जवान है वो लगे हुए हैं और काफी सफाई जो इन्होंने व्यवस्था अभी दिखाई है आपके सामने। जी जी जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हम संदेश देना चाहेंगे, एक तरफ जो देश के जवान है वो भी सफाई कर रहे हैं लेकिन जो देश की जो पीढ़ी है सर वो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। इस चीज के लिए हम माफी चाहेंगे थोड़ा सा। जिस तरह ये जवान हमारे अपना सीमा पे भी रिक्शा कर रहे हैं, आज जब सफाई का काम है तो हमारे साथ तत्पर लगे हुए हैं, तो इसी तरह अगर गांववासी, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक बंदा, भारतवासी प्रत्येक अगर ऐसे करे इसको प्रॉपर, तो हमारा भारत बहुत आगे चला जाएगा और हम अपने भारत की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा नई पीढ़ी के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे सैनिक हमारी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, इसी प्रकार उनके नशे को छोड़कर और सफाई और सैनिकों का सम्मान करें। आने वाली युवा पीढ़ी से निवेदन करेंगे कि नशे की लत को छोड़ के और समाज सेवा के कार्य में सहयोग करें और सेना का स्वाभिमान अभिमान बनाए रखें, मनोबल बढ़ाएं साथ ही आप। मनोबल तो आप जैसे कि अभी आप कौन से गांव से हैं सर? दुर्जनपुर से जी। तो किस पद से हैं आप? मैं पंच पे हूँ। आप पंच हैं? तो आप यहाँ स्वच्छता अभियान जो चल रहा है तो आपने गांव में स्वच्छता अभियान नहीं चलाया है? आपके सरपंच साहब चलाया था जी हमने। अच्छा जी। गांव में आप सुबह भी किए और पहले भी किए हैं? पहले भी आप लोग कर चुके हैं। महीने में एक बार जरूर करते हैं हम, समाज से भी और सरपंच और ग्राम पंचायत और समाज से भी लेके सभी महिलाएं और पूरी सफाई का योगदान करते हैं जी। आप ढंडूर से सरपंच साहब हैं? हाँ जी, ढंडूर से सतपाल इल्ला। हाँ जी। तो जो ये आज मिशन चला हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो आह्वान किया गया था और कल गांधी जयंती भी है, पहले जो स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाता था उस समय में कांग्रेस के समय में और अभी जो है स्वच्छ भारत मिशन चला दिया है, स्वच्छता ही सेवा है ये करके जो नारे अलग से अलग बदले जा रहे हैं, और आप अभी जो किसान जो हमारे देश के जो जवान यहाँ लगे हुए हैं स्वच्छता अभियान में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी को 2 अक्टूबर की महात्मा गांधी जयंती पे उपलक्ष्य में सबको बधाई देना चाहता हूँ। हम ग्राम पंचायत BD साहब की तरफ से अपने BSF फौजी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो ये हर मुसीबत में, चाहे बाढ़ हो या सफाई का हो या देश की रक्षा का हो, ये तत्पर आगे रहते हैं। तो जैसे कि आज स्वच्छता मिशन जो चलाया गया है फौज की तरफ से, तो आप क्या सेना को कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, हमारे भी जैसे हमारे फौजी भाइयों ने ये सफाई अभियान चला रखे हैं इन्होंने, तो ऐसे ही हमारे नौजवानों साथियों से और ग्राम पंचायत BD सार से आग्रह करूंगा अभी हर महीने स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि हमारा देश अभी स्वच्छता के मामले में बहुत देश हमारे देश से आगे है। हमारा देश जो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। हाँ, इसे स्वच्छता अभियान में पिछड़ता जा रहा है, तभी मैं सुबह से नौजवानों से अपील करूंगा कि हर महीने हमारे गांव या पड़ोस की या मोहल्ले की इनके सफाई अभियान का ध्यान रखें, अपने अपने गली मोहल्ले की अपने आप सफाई करें। ताऊ जी आप क्या कहना चाहेंगे जो फौज जो आपके यहाँ लगी हुई है सफाई अभियान में? हम तो यूं है, इन BSF फौजी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दुर्जनपुर का उनसे मैं समाज सेवी मंगत राम हूँ, और हम तो प्रतिनिधि एक महीने के अंदर ये आसार रखते हैं और मिलके
मिलजुल के एक सफाई का अभियान जरूर गांव में चलाते हैं। और आप जाकर देखे, कोई और आके देखे कि हमारे गांव की जो स्वच्छता है वो आम गांव में नहीं मिलेगी, अलग गांव की स्वच्छता है। सरपंच साहब, जैसा कि अभी आपने बताया था, आपके मेंबर साहब ने भी बताया था कि भी नशे का काफी प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है हरियाणा में, पैर पसार रहा है नशा भी, पंजाब से लगता जो है हमारा हरियाणा प्रांत है, तो उस पे नशे पे आप क्या कहना चाहेंगे? नशे पे देखो जी, हमने अपने प्रॉपर गांव की तरफ से पहले, सबसे पहले शुरुआत हम अपने गांव की तरफ से करते हैं। हमने एक स्पेशल टीम बनाई हुई है, हमने जो नशा करते हैं बंदे उनका प्रॉपर रूप से एसपी साहब को लिख के दिया गया है, जो नशे का व्यापार करते हैं, नशे का यूज करते हैं, उनके लिए हमने स्पेशल कर रखी है। कई बंदे जो नशा करके चोरी करते हैं, लूट खसोटी करते हैं, वो बंदे अभी जेल में भी पड़े हैं। बाकी प्रॉपर हमने बाकी सरपंच जितने भी अग्रो ब्लॉक में उनके साथ भी एक मीटिंग करी है कि प्रत्येक गांव में कैमरे लगाए जाएं और उनके स्थिति पर ध्यान रखा जाए नशे से, ताकि युवा पीढ़ी दूर रहे और हम अपने गांव को, समाज को और देश को आगे बढ़ा सके। जी तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे थे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक।